क्वेश्चन नंबर 25, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज टेन इनवर्स रूट टू। पहली बात तो क्वेश्चन को कैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, मैंने ब्रैकेट ऑफ किया। ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया ना यहाँ पे, अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर वाले को मत पढ़ो, विदाउट ब्रैकेट क्वेश्चन को रीड करो, तो आप देख पाओगे क्वेश्चन बेसिकली पूछ क्या रहा है। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज टेन इनवर्स रूट टू। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, हमें शो करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा कोन का वो टेन इनवर्स रूट टू होगा। दिस इज वॉट वी हैव टू शो। अब ये सेमी वर्टिकल एंगल की अगर हम बात करें तो पहले तो कोन बना लो एक। ये मेरा एक छोटा सा सुंदर सा कोन है, राइट सर्कुलर कोन। ये इसकी हाइट है और ये रेडियस है, एंड दिस इज द स्लैंट हाइट। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज टेन इनवर्स रूट टू। सेमी वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल ये होता है सेमी इसका आधा, मतलब ये, इसको अल्फा ले लेते हैं। तो क्वेश्चन सेज दैट शो दैट अल्फा इज टेन इनवर्स रूट टू। अब ब्रैकेट के अंदर देखो क्या लिखा है, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट। इट मींस ये उस कोन के बारे में बात कर रहे हैं जिस कोन में स्लैंट हाइट गिवन होगी और उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ये उस कोन की बात कर रहे हैं। अब स्लैंट हाइट गिवन है मतलब स्लैंट हाइट फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती, बट उसका वॉल्यूम सबसे बड़ा होना चाहिए, मैक्सिमम, अपने जितने भी पॉसिबल वॉल्यूम्स हैं उन सभी पॉसिबल वॉल्यूम में सबसे बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए। उस पर्टिकुलर टाइम पे एंगल जो है टेन इनवर्स रूट टू प्रूफ करना है। तो अल्फा इज टेन इनवर्स रूट टू व्हेन वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। And given the slant height, L slant height, slant height given है, means L given है, तो अगर मैं यहाँ पे formula apply करूँ, L का square is equal to R का square plus H का square, Pythagoras theorem लगा दी मैंने इस particular right angle triangle में, ये एक right angle triangle है, इस right angle triangle में Pythagoras लगाया, L का square is R का square plus H का square। ना वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दो वेरिएबल आ रहे हैं, वन इज आर एंड अदर इज एच। अभी मैं क्या करूंगा, यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं और यहां पे पुट कर देता हूं, सो दैट इट विल कन्वर्ट टू सिंगल वेरिएबल 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। तो दिस इज 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है, दैट इज एच। फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h का स्क्वायर। अभी डीवी बाई डीएच को जीरो रखते हैं, तो 3h का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, एच का स्क्वायर इज एल स्क्वायर बाई 3, एच का वैल्यू आ गया एल बाय रूट 3। Now we'll find out second order derivative. D square V by DH square, that is 1/3 pi 0 minus 6H. तो minus 2 pi H और H का value put करो L by root 3. अभी second order derivative negative आ रहे, that is less than 0. Hence, volume of cone is maximum when height is equal to L by root 3. अभी यहां से height is equal to L by root 3, अगर मैं इसको पिक करूं, L square is equal to 3H square, ये पुट कर दो आप फर्स्ट में, पुट L का square is equal to 3H का square इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में L की जगह में 3H square रखूं तो इट विल बी 3h का स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस एच स्क्वायर को इधर ले आओ तो 2h का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एच स्क्वायर को नीचे ले जाओ तो आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो फाइनली r बाय एच का वैल्यू आ गया रूट टू। अब अगर मैं इस अल्फा के लिए देखूं तो टेन अल्फा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन अल्फा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां परपेंडिकुलर वैल्यू इस अल्फा के लिए है r और बेस वैल्यू है h, तो मैं टेन अल्फा लिख सकता हूं परपेंडिकुलर बाय बेस मींस r बाय एच, और r बाय एच ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं रूट टू, तो अल्फा का वैल्यू आ गया टेन इनवर्स रूट टू। एंड दैट वॉज द थिंग वॉट यू हैव टू प्रूव। क्वेश्चन सेज दैट शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो सेमी वर्टिकल एंगल होता कौन सा है भाई, पहले तो ये देख लो, ये कोन है और ये ऑल्टीट्यूड, ये रेडियस। वर्टिकल एंगल मतलब ये वाला पूरा एंगल, और सेमी वर्टिकल एंगल मतलब इसका आधा, मतलब सिर्फ एक तरफ का, तो इसे अल्फा ले लिया। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, गिवन सरफेस एरिया मींस इस कोन का सरफेस एरिया आपको गिवन है। तो गिवन दैट ए इज सरफेस एरिया, उसको मैं ए से डिनोट कर लेता हूं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का। अब गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। ये वॉल्यूम को साइन इनवर्स 1/3 नहीं प्रूव करने के लिए बोल रहे, लैंग्वेज को ध्यान से देखना। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन के बाद मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, ब्रैकेट ऑफ कर रहा हूं। अब बिना ब्रैकेट के क्वेश्चन को रीड करो। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज साइन इनवर्स 1/3, मतलब हमें शो करना है, यहां लिख देता हूं, शो दैट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। हमें शो करना है अल्फा जो है साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल है, और साथ ही साथ ये भी बोला हुआ है कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो बेसिकली ये हमें जो है शो करना है, और ये हमारी गिवन सिचुएशन है। तो यहां पे तीन टर्म्स हैं, हाइट, रेडियस एंड स्लैंट हाइट। ना ही हमें रेडियस पता है, ना ही हमें हाइट पता है, ना ही हमें स्लैंट हाइट पता है। तो वो दो तीनों के तीनों कांस्टेंट नहीं होंगे, वो तीनों के तीनों वेरिएबल्स होंगे, उनमें से एक भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जो गिवन होता है वो कांस्टेंट है। तो गिवन जो है वो सरफेस एरिया है, मींस ए कांस्टेंट है यहां पे ए। तो पहले मैं यहां से आर एल और आर है, तो मैं एल को पहले यहां से रिमूव कर देता हूं। वी कैन राइट इट एज पाई आर, एल की जगह अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, प्लस पाई आर का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब ये जो पाई आर का स्क्वायर है, ये मैं इधर से उठा के इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा ए माइनस पाई आर स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे रिलेशन जो निकालना है ना वो निकालना है आर और एच के बीच में, ताकि मैं वहां पे कुछ कर पाऊं वॉल्यूम के केस में। स्क्वायरिंग करते हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2 ए पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2 ए पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ये पाई स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर आर 4 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचा ए स्क्वायर माइनस 2 ए पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहां पे दो टर्म्स आर और एच, इधर आर और एच, इधर आर, मुझे आर और एच से एक टर्म में वेरिएबल लेके आना है। या तो मैं आर की वैल्यू एच की टर्म में निकाल दूं,
या h की वैल्यू r की टर्म में निकाल दूं, दैट्स अप टू मी कि मैं क्या निकालना चाहता हूं। तो यहां भी देख लेते हैं कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे r की वैल्यू निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि r दो बार है, आर स्क्वायर यहां भी है, आर स्क्वायर यहां भी है। तो यहां h की वैल्यू निकालना somehow थोड़ा सा इजी है। तो h का स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2a पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। दिस इज टू बी टेकन एज फर्स्ट इक्वेशन। ये h स्क्वायर की वैल्यू निकली, तो यहां जो मुझे चाहिए वो h की वैल्यू चाहिए। तो या तो मैं इसको h की वैल्यू निकालूं रूट करके यहां पुट कर दूं, वो तो डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट आ जाएगा, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। तो बेटर इज दैट मैं यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं। जब मैं ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो वॉल्यूम का स्क्वायर इज 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू एच का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसमें ऐसा इसीलिए किया कि मैं एच स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के वहां रिप्लेस कर पाऊं। तो यहां पे मैं एच के स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूं, और वी स्क्वायर को हम ले लेते हैं कुछ भी जेड या फिर कैपिटल वी ले लेते हैं इसको, पहले स्मॉल वी लेके अभी कैपिटल, या कुछ और भी लेना चाहो तो ले सकते हो। 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 मल्टीप्लाई एच स्क्वायर ये रहा ए स्क्वायर माइनस 2a पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अभी देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये आर स्क्वायर से पावर 4 कट गया, तो कैपिटल वी का वैल्यू बचा हमारे पास 1/9, ब्रैकेट ओपन करेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2a पाई आर स्क्वायर अंदर जाके हो गया आर की पावर 4। अभी देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, सिंगल वेरिएबल में हमारा फंक्शन आ गया, और वो सिंगल वेरिएबल है r। हमें डिफ्रेंसिएशन करने से पहले सिंगल वेरिएबल में चाहिए होता है, वो हमने कर लिया। अब सिंगल वेरिएबल में आ चुका, डिफ्रेंसिएशन कर दो, dv बाय dr दैट इज 1/9 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2r माइनस 4 × 8 a पाई r की पावर 3 डी वी बाई डी आर को जीरो रखो एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालने के लिए, 8a पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2a स्क्वायर आर। तो बचेगा 2 से 2 4 ज़ा a कट गया a, तो बचेगा 4 पाई यहाँ से भी कट गया, तो बचेगा r की पावर 2 इज इक्वल टू a ओनली, 4 पाई आर स्क्वायर बचा और a के इक्वल। तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू निकाल के r की वैल्यू निकल जाएगी अंडर रूट ऑफ a बाय 4 पाए। अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम यहाँ पे इसका सेकेंड डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। इसका सेकेंड डिफ्रेंसिएशन करेंगे a स्क्वायर इंटू 2r, r का डिफ्रेंसिएशन 1, तो बचेगा 2a का स्क्वायर माइनस 24a पाए r का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू आप दो स्टेप ऊपर निकाल चुके हो, a बाय 4 पाए, वो यहाँ आर स्क्वायर के प्लेस पे पुट कर दो, 1/9 2a स्क्वायर माइनस 24a पाए इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो दैट विल बी a अपॉन 4 पाए। तो d स्क्वायर v अपॉन d आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9 मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर माइनस पाई से पाई कैंसिल, 6 इंटू ए आ जाएगा, इंटू ए 6 इंटू ए स्क्वायर हो गया। अभी 2a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर इज माइनस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। अभी आंसर नेगेटिव में आ रहा है, मींस लेस देन 0 आ रहा है, हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम When radius is a by root 4, volume maximum हो गया जब ये condition है। अभी हमें sin alpha भी find out करना है, sin inverse 1/3, तो
तो उसके लिए अभी मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी है, तो मैं ऊपर का पार्ट जो है ना ये रब कर रहा हूँ, यहाँ स्पेस बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये भी रिमूव कर देता हूँ। हमें शो करना है अल्फा इज साइन इनवर्स 1/3। तो अभी साइन अल्फा, यहाँ देखो साइन अल्फा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हैपेटेनियस। तो यहाँ परपेंडिकुलर आर है और हैपेटेनियस एल है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हैपेटेनियस हमारा होता है ना, तो यहाँ पे आर अपॉन एल हो गया। अच्छा, अभी हमने जो वैल्यू निकाली है उस वैल्यू का अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, देखो ए किसके इक्वल निकला था, 4πr², ए जो है 4πr² के इक्वल निकला है। इस ए को मैं ना यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू को। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पुट ए इज इक्वल टू 4πr² इन ए इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू को प्लेस करूँ तो रिजल्ट आएगा 4πr² इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इस पाई आर स्क्वायर को इधर ले आओ तो हो जाएगा 4πr² माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। अभी 4πr में से पाई आर स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, 3πr² इज इक्वल टू पाई आर एल। अभी पाई से पाई कैंसिल, आर से स्क्वायर कैंसिल, तो 3r किसके इक्वल बचा, एल के इक्वल। अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर अपॉन एल को 1/3 लिख सकता हूं। भाई मैं एल को नीचे ले आया, उधर से 3 को उधर ले गया। अब आर बाय एल की फाइनल वैल्यू कितनी हुई, 1/3। अब साइन अल्फा कितना था, आर बाय एल था, तो इस आर बाय एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/3। तो अल्फा कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/3। हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन अल्फा इज साइन इनवर्स 1/3। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² इज इक्वल टू 2y व्हिच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। ये कर्व है हमारा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम लेट कर लेते हैं वो जो पॉइंट है वो एक्स कॉमा वाई है, और विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट, जो कि 0,5 के नियरेस्ट है। नियरेस्ट का मतलब हो गया कि डिस्टेंस इज मिनिमम, डिस्टेंस मिनिमम है ना। नियरेस्ट का तो मतलब यही हो गया ना, मेरा और सामने वॉल पे कुछ मार्क किया हुआ है उसका हमारा डिस्टेंस नियरेस्ट है। मैं उस वॉल के नियरेस्ट कब होऊंगा, जब मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ किस टाइम पे नियरेस्ट होऊंगा, मतलब मेरा और मेरी वॉल का डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, वो पॉइंट बताना क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस जिसके मिनिमम होने की बात करी है, वो डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अंडर रूट ऑफ x2 - x1² प्लस y2 - y1² इस डिस्टेंस को मैं डी ले लेता हूँ। अंडर रूट ऑफ x² प्लस y - 5² स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, डी का स्क्वायर इज x² प्लस y - 5² ये स्क्वायर रूट हट गया। अब इस डी स्क्वायर को मैं जेड लेट कर लेता हूँ ना, जेड इज x² प्लस y - 5² अब अगर जेड मिनिमम होगा तो ऑब्वियसली डी स्क्वायर भी मिनिमम होगा, और डी स्क्वायर मिनिमम होगा तो डी भी मिनिमम होगा। जब कोई फंक्शन मिनिमम होता है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होता है। तो हम डी को मिनिमम, जेड को मिनिमम प्रूफ कर देते हैं, उससे डी भी मिनिमम प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पे x² यहाँ से उठा लो, x² का वैल्यू रिप्लेस करो, दैट इज 2y प्लस y - 5² अब हम यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी जेड बाई डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में 2y का डिफ्रेंसिएशन 2 प्लस में 2 × y - 5। अब डी जेड बाई डी वाई को 0 के इक्वल रखो, तो 2 + 2 × y - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 + 2y - 10 इज इक्वल्स टू 0, 2y - 8 इज इक्वल्स टू 0, 2y = 8, y = 4।
अभी सेकेंड डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करेंगे, डी स्क्वायर जेड बाई डी वाई स्क्वायर, दिस इज 0 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 0. सेकेंड डेरिवेटिव का रिजल्ट आ गया 2, पॉजिटिव आ रहा है, हेंस डिस्टेंस इज मिनिमम अब मिनिमम लिखो या नियरेस्ट लिखो व्हेन y इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू, अब x निकालने के लिए क्या करेंगे, ये y का वैल्यू 4 ना यहां पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4, 4 टू जा 8, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8, तो x इज इक्वल टू 2 रूट 2, तो हैंस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट इज, हैंस पॉइंट इज 2 रूट 2 कॉमा 4 एंड दैट इज योर आंसर. So the question is find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in an ellipse. Ellipse के अंदर inscribed है, ellipse के अंदर दे रखा है एक isosceles triangle. और वो situation कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसका area maximum हो, उसका area maximum हो, और situation ये है कि उसका एक end जो है ना वो एक वर्टेक्स के ऊपर हो. एलिप्स की इक्वेशन हमें गिवन है, तो एलिप्स फिक्स हो गया. तो अगर मैं ये एलिप्स ड्रॉ करूँ तो ये एलिप्स फिक्स है, मीन्स एलिप्स कैन नॉट मूव, वो बड़ा नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं चेंजेस हो सकते. इसके अंदर बनने वाले ट्राइंगल्स की पॉसिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो लेट सपोज कुछ इस तरह का है ट्राइंगल जिसमें उसका एक एंड जो है एक वर्टेक्स पे है. This point is A, this point is minus A, this point is B and this point is minus B according to the rule of ellipse equation. तो ये जो triangle है, इस triangle में इस particular point P को मैं x, y assume कर लेता हूँ. अगर मैं इस P point को x, y assume करता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो length है, means this complete length, this is x, इसका मतलब ये हो गया कि ये part x है और ये जो हाइट है दिस वन दिस इज y, इसका मतलब हो गया ये हमारा y है. और अगर ये y है तो ऑटोमेटिकली नीचे भी y होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक शेप होता है. और ये लेंथ हमारी a है, ये एलिप्स के वर्टिक्स की वजह से हमें पता लगा लेंथ a हो गया. तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ABC, इस ABC ट्रायंगल में बेस क्या होगा, BC हो जाएगा, BC इज द बेस. और ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड यहां से लेके यहां तक की लेंथ, टेक दिस पॉइंट इज D, तो वो हो जाएगा AD. BC मैं देखूं तो BC विल बी y प्लस y, दैट इज ट्वाइस ऑफ y. AD अगर हम चेक करें तो दैट इज x प्लस a, ये AD हो गया. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, टू से टू कैंसिल हो गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए. अभी ये दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक वाई और एक एक्स, मुझे इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, देन आई विल यूज दिस इक्वेशन, मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा जो हमें गिवन है. तो यहाँ से अगर मैं y का वैल्यू निकालूँ तो y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो फाइनली y का वैल्यू आ गया b बाय a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ये मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ, एरिया इज b बाय a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए. नाउ द क्वेश्चन सेज फाइंड द मैक्सिमम एरिया. एरिया इज मैक्सिमम व्हेन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस. एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है हमें, मैक्सिमम बताना है एरिया कब होगा. तो सिंपल, एरिया हम निकाल चुके हैं, इसको मैक्सिमम प्रूव करने के लिए वही सेम वर्किंग हम यूज़ करेंगे. बट उससे पहले मैं इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊँगा, वो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करके. अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो ए स्क्वायर इज
बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस ए। अब इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, और मल्टीप्लाई में ऑलरेडी ए प्लस एक्स का स्क्वायर गिवन है जब मैंने यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था। तो अब ये ए प्लस एक्स का स्क्वायर और ए प्लस एक्स मिलके हो गया ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स का होल पावर थ्री। अब ये सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन आ चुका है, अभी मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। जब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो रिजल्ट आएगा डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। नाउ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इस पूरे में से देखो जो कॉमन आ सके उसे कॉमन ले लो, ए प्लस एक्स का स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा 3a माइनस 3x माइनस ए माइनस एक्स। नाउ दिस इज बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 3a माइनस ए 2a और माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x। तो अगर 2 कॉमन ले लूँ उस पूरे में से तो अंदर बचेगा a माइनस 2x। दिस इज डी जेड बाई डी एक्स। फाइनली इसको जीरो रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा 2 अपॉन a, सॉरी a अपॉन 2। अभी x का वैल्यू मेरा आ गया, अब मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसका सेकेंड ऑर्डर निकलेगा 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मीन्स ए प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन मीन्स माइनस 2 प्लस में a माइनस 2x एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ a प्लस एक्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया, अब जो x का वैल्यू हमारा निकला था उसको यहाँ पुट करते हैं, 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए प्लस एक्स की जगह a बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में माइनस 2 प्लस में, ये पूरा ज़ीरो हो गया। तो फाइनली हमारा यहाँ पे बचेगा 2b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 3a बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 2। तो अब ये जो भी रिजल्ट आ रहा है फाइनली माइनस में आ रहा है, हेंस एरिया इज मैक्सिमम। और उन्होंने कहा था फाइंड द मैक्सिमम एरिया, एरिया मैक्सिमम तो आ गया लेकिन वो एरिया होगा क्या। तो ये जो आपका x का वैल्यू आया ना a बाई टू, इस x के वैल्यू को उठा के आप यहां पुट कर देंगे एट दिस प्लेस, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो एरिया आएगा जब वो मैक्सिमम है, मींस वो मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9th, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस। एक टैंक है जिसका बेस रेक्टेंगुलर है एंड द रेक्टेंगुलर साइड्स, और उसकी साइड भी रेक्टेंगुलर है, ओपन एट द टॉप, ऊपर से वो खुला हुआ है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 में, यहाँ कर रहा हूँ, ये टैंक है दिस टैंक इज विद रेक्टेंगुलर बेस, इसका बेस हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है और इसकी साइड भी रेक्टेंगल है और ये ऊपर से खुला हुआ है, ओपन एट द टॉप, ठीक है। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, उसको बनाया गया सो दैट द डेप्थ इज 2 meters, इस तरह से बनाया कि जो उसकी डेप्थ है ना वो 2 meters हो, दिस इज 2 meters, द डेप्थ इज 2 meters। अब लेंथ और ब्रेथ हमें नहीं पता, वो हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स एंड वाई, लेट लेंथ एंड विड्थ ऑफ बेस इज एक्स एंड वाई।
नाउ नेक्स्ट आगे क्या सिचुएशन गिवन है, एंड द वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब. इसका वॉल्यूम गिवन है 8 मीटर क्यूब. गिवन दैट वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब. यहाँ पे गिवन है x इंटू वाई इंटू टू इज इक्वल टू 8, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से y का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो y का वैल्यू आ जाएगा 4 बाय x. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. आगे, इफ द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, मींस जो बिल्डिंग को बनाने में खर्चा आ रहा है वो बेस बनाने में जो खर्चा है वो है ₹70 पर स्क्वायर मीटर एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइट्स. बेस बनाने में जो खर्चा आता है वो ₹70 का एक स्क्वायर मीटर का खर्चा होता है. तो टोटल कॉस्ट, या पहले कॉस्ट ऑफ बेस लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ बेस, बेस बनाने का खर्चा. पहले तो बेस का एरिया देखो क्या है. बेस का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल ही तो है वो. उसे बनाने में जो खर्चा है वो ₹70 एक मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है. तो इसको 70 से मल्टीप्लाई करते तो 70 इंटू एक्स वाई, ये हमारा बेस बनाने का कॉस्ट आ गया. इसी तरह से कॉस्ट ऑफ साइड्स, तो पहले तो हमें एरिया ऑफ साइड्स निकालना पड़ेगा. एरिया ऑफ साइड्स होगा ट्वाइस, कितना होगा साइड्स का, अगर मैं एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड में क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एच एल प्लस बी. ये फार्मूला होता है कर्व लेटरल सरफेस एरिया का, ट्वाइस ऑफ एच एल प्लस बी. यहाँ पे एच इज टू, लेंथ इज एक्स एंड ब्रेथ इज वाई, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. तो मीन्स ये जो हमारा निकला, ये एरिया निकला, इस एरिया को मैं एक मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा. एक मीटर का कॉस्ट है ₹45, तो अगर मैं इसे ₹45 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कॉस्ट आ जाएगा साइड को बनाने का. तो टोटल कॉस्ट कितना आया, टोटल कॉस्ट ऑफ टैंक, टैंक बनाने में जो पूरा खर्चा लगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ बेस प्लस कॉस्ट ऑफ साइड्स, मीन्स इन दोनों का एडिशन. तो उससे मेरा कॉस्ट फंक्शन आ गया, जैसे मैं सी एक्स लिख सकता हूँ, 70 इंटू एक्स वाई प्लस 2 to the 4, दैट इज 180 इंटू एक्स प्लस वाई. बट अभी ये डबल वेरिएबल में आ रहा है ना, एक्स और वाई वेरिएबल में आ रहा है, हमें पहले इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए इस गिवन इक्वेशन का मैं यूज करूंगा, वाई का वैल्यू 4 बाय x. तो सी एक्स इज इक्वल टू 70 इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू 4 बाय x प्लस 180 इंटू एक्स प्लस वाई का जगह 4 बाय x. अभी ये x से x कैंसिल हो गया, ये हमारा फाइनली सिंगल वेरिएबल में फंक्शन आ गया. अब मुझे इसको मैक्सिमम या मिनिमम जो भी प्रूव करना है उसकी वर्किंग के लिए पहले मुझे इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सी डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 180, 1 माइनस 4 बाय x का स्क्वायर. सी डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो x का स्क्वायर इज 4 और x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2. माइनस में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो माइनस तो रिजेक्ट करेंगे, तो x की पॉसिबल वैल्यू आ गई 2. अभी मैं फाइंड आउट करूंगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. दिस इज 180, 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब. एक्स का वैल्यू 2 यहाँ पुट करते हैं, दिस इज 180, 8 डिवाइडेड बाय 8, आंसर पॉजिटिव आ रहा है. अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स हेंस कॉस्ट इज, कॉस्ट ऑफ टैंक इज लीस्ट. जो कॉस्ट है वो मिनिमम है, और वो कब मिनिमम है, जब x की वैल्यू 2 है. और जब x की वैल्यू 2 है तो y कितना होगा, y इज ऑल्सो 2. तो हमारा कॉस्ट ऑफ टैंक मिनिमम होगा जब लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होंगी, मतलब वो क्यूबॉइड जब वो क्यूब होगा
तब उस टाइम पे इसका एरिया, इसका कॉस्ट जो होगा वो मिनिमम होगा। क्वेश्चन में साथ में लिखा भी हुआ है, लास्ट लाइन देखो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो अभी आपने ये तो बता दिया कॉस्ट इज लीस्ट, कॉस्ट मिनिमम है, लेकिन वो कॉस्ट है क्या? जो मिनिमम कॉस्ट है वो क्या है? वो निकालने के लिए कॉस्ट इज इक्वल टू, वो जो कॉस्ट फंक्शन था वो ये रहा, 70 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 180, या फिर यहाँ पे इससे नीचे वाला पार्ट ले लो, ये वाला, दिस वन, दिस इज 280 प्लस 180 एक्स प्लस 4/x। ये था हमारा कॉस्ट, इसमें कॉस्ट में x की जगह 2 पुट कर दो, 280 प्लस 180 इंटू 2 प्लस 4/2 दैट इज 2, 280 प्लस 180 मल्टीप्लाई 4, 720,000। तो जो मिनिमम कॉस्ट ऑफ टैंक होगी ना, वो मिनिमम कॉस्ट होगी 1,000 rupees। क्वेश्चन नंबर 10th मिसलेनियस एक्सरसाइज, द सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल एंड द स्क्वायर इज k। सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल एंड द स्क्वायर इज k, वेयर k इज सम कॉन्स्टेंट। Prove that the sum of the areas is least when the side of the square is double the radius of the circle. तो given क्या है देखो जरा question में, sum of the perimeter of circle and square is k, k मतलब constant. तो sum of the perimeter of circle and square, तो एक circle एक square draw कर देते हैं, this is circle, दिस इज स्क्वायर, इसके रेडियस को आर ले लेते हैं, इसकी साइड को एक्स ले लेते हैं। गिवन दैट सम ऑफ द पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ सर्कल होता है सर्कमफेरेंसेस 2πr और साइड का 4 मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड, ये हमें गिवन है k के इक्वल। अगर मैं इसको k के इक्वल एज्यूम कर लेता हूँ, एज्यूम क्या करना है, दे ही रखा है क्वेश्चन में, प्रूव दैट द सम ऑफ द एरियाज इज लीस्ट, प्रूव दैट सम ऑफ एरिया इज लीस्ट व्हेन, कब लीस्ट है, एक सिचुएशन दे रखी है, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस, व्हेन x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r, ठीक है। तो सबसे पहले तो एरिया का फार्मूला, दिस इज पाई आर स्क्वायर प्लस में साइड का स्क्वायर मींस एक्स का स्क्वायर। अब मैं इसमें से, इस फर्स्ट इक्वेशन में से या तो रेडियस का और या फिर साइड का, मतलब या आर का या एक्स का, किसी एक का वैल्यू निकालूंगा, वो मेरा चॉइस है मैं किसका निकालता हूँ, दोनों करेक्ट माने जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से आर का वैल्यू निकालता हूँ तो दैट इज के माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2π, ये मैंने R का वैल्यू निकाला, और ये R का वैल्यू निकाल के मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो एरिया इज 4π मल्टीप्लाई R का स्क्वायर मींस K माइनस 4x डिवाइडेड बाय 2π का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो एरिया इज K माइनस 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π, क्योंकि स्क्वायर से मैंने ऊपर वाला पाई हटा दिया, ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब मुझे इसको मैक्सिमम या मिनिमम जो भी प्रूफ करना हो, सम ऑफ द एरिया इज लीस्ट मतलब मुझे मिनिमम प्रूफ करना है, तो मुझे मिनिमम प्रूफ करना हो चाहे मैक्सिमम प्रूफ करना हो, वर्किंग सेम रहेगी, डिफरेंशिएशन करेंगे, dA बाय dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करो 1/4π, यहाँ पावर आ गया, पावर में से एक लेस, तो ट्वाइस ऑफ k माइनस 4x की पावर 2-1 मल्टीप्लाई में k माइनस 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस 4, प्लस में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2x, तो dA बाय dx इज इक्वल एन टू, इस 4 से ये 4 गया, तो दिस इज माइनस 2 k माइनस 4x प्लस 2x, तो dA बाय dx इज माइनस 2k प्लस 8x प्लस 2x,
सो फाइनली डी ए बाई डी एक्स इज, सॉरी मैं पाए लिखना भूल गया, तो आई हैव टू राइट पाए ऑल्सो. ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहीं छोड़ते हैं. अभी मुझे x फाइंड आउट करना है. डी ए बाई डी एक्स निकाल लिया, डी ए बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल रखते हैं, तो माइनस टू के माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाय पाए इज इक्वल टू माइनस टू एक्स. माइनस टू से माइनस टू कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स, फोर प्लस पाई मल्टीप्लाई में एक्स इज इक्वल्स टू के, तो एक्स का वैल्यू आ गया के अपॉन पाई प्लस फोर. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स. अभी हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं. डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, यह आएगा माइनस टू जीरो माइनस फोर डिवाइडेड बाय पाई, प्लस में टू एक्स का डिफरेंशिएशन किया आ गया टू. अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टू इंटू फोर एट डिवाइडेड बाय पाई प्लस टू. अब जो भी आंसर आ रहा है वो प्लस में ही तो आ रहा है ना, तो मिनिमम हो गया. हेंस कंबाइंड एरिया इज लीस्ट, एरिया इज मिनिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू के अपॉन पाई प्लस फोर. अभी यहां से अगर मैं k का वैल्यू निकालू, पुट k इज इक्वल टू फोर प्लस पाई इंटू एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन, और उसको फर्स्ट में यहां रखते हैं, तो r इज इक्वल टू k के प्लेस पे फोर प्लस पाई इंटू एक्स माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाय टू पाई. तो r इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस पाई एक्स माइनस फोर एक्स अपॉन टू पाई. फोर एक्स से फोर एक्स कैंसिल हो गया, तो रेडियस किसके इक्वल आ गया, पाई एक्स डिवाइडेड बाय टू पाई के. पाई से पाई कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस ऑफ रेडियस किसके इक्वल आ गया, एक्स के. एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव. डन. इलेवेंथ क्वेश्चन, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल. अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल ओपनिंग. मतलब रेक्टेंगुलर शेप की विंडो है और उसके ऊपर का जो शेप है ना वो सेमी सर्कल टाइप ही है. तो ये मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ विंडो के लिए, और इसके ऊपर सेमी सर्कल ओपनिंग है. लाइक पहले चलती थी ना विंडो, पहले तो इस टाइप की विंडो आती थी, ऊपर ऐसे सेमी सर्कल होता था, नीचे ऐसे रेक्टेंगल शेप होती थी. तो अ विंडो इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल ओपनिंग, द टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर. इस विंडो का पेरीमीटर 10 मीटर है. अगर मैं विंडो के पेरीमीटर की बात करूं, इट मींस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ और प्लस ये बाउंड्री, ये लेंथ, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो पेरीमीटर ऑफ विंडो बन जाएगा. तो मैं इस रेक्टेंगल की लेंथ को एक्स ले लेता हूं, तो ये भी एक्स हो गया, ये वाई ले लेता हूं तो ये भी वाई हो गया. तो गिवन पैरामीटर इज 10, तो पैरामीटर का फार्मूला, पहले तो ये x हो जाएगा, प्लस में ये y हो जाएगा, प्लस में इधर वाला y हो जाएगा, और प्लस में पूरे सर्कल का पैरामीटर होता है 2 पाई r, आधे सर्कल का हो जाएगा पाई r प्लस पाई इंटू r, एंड द रेडियस इज x बाई 2, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डायमीटर है, डायमीटर का हाफ कर दूंगा तो रेडियस हो जाएगा, तो इसलिए वो x बाई 2. तो 10 इज इक्वल टू x प्लस पाई एक्स बाय टू प्लस वाई प्लस वाई दैट इज टू वाई. तो 10 इज इक्वल टू टू प्लस पाई बाय टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई. अगर मैं ट्वाइस ऑफ वाई को इधर छोड़ूं और बाकी सब उधर ले जाऊं, तो टू वाई इज इक्वल टू 10 माइनस टू प्लस पाई बाय टू इंटू एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y का वैल्यू आ गया 5 माइनस 2 प्लस पाई बाय 4 इंटू एक्स. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. देखो पूरा क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ. अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल ओपनिंग, द टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडोज. जो विंडो है उसकी डायमेंशंस निकालनी है, मतलब x निकालना है, y निकालना है, रेडियस निकालना है. टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, और वो इस तरह से निकालना है कि जो लाइट उस विंडो से आ रही है
वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो। जब इससे आने वाली लाइट मैक्सिमम है तो इट मींस क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो एरिया के बारे में बात कर रहे हैं कि एरिया इज मैक्सिमम। जितनी बड़ी विंडो होगी उतनी ज्यादा लाइट आएगी, तो लाइट इज मैक्सिमम इट मींस एरिया इज मैक्सिमम। तो फाइंड द डायमेंशंस, फाइंड द डायमेंशंस सो दैट एरिया ऑफ विंडो इज मैक्सिमम। अभी एरिया ऑफ विंडो का फॉर्मूला, अब ये विंडो दो शेप से मिलके बन रही है, एक रेक्टेंगल और दूसरा सेमी सर्कल। रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, और सेमी सर्कल का एरिया होगा हाफ इनटू पाई आर स्क्वायर, एंड द रेडियस इज एक्स बाय टू। तो एरिया इज एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस 1 बाय 2 टू 4 टू 8 पाई एक्स का स्क्वायर। अभी इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ये y का वैल्यू यहां रिप्लेस करते हैं, तो एरिया इज x मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 प्लस पाई बाय 4 इंटू एक्स प्लस 1 बाय 8 पाई एक्स का स्क्वायर। अभी और सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन, एरिया इज 5x माइनस 2 प्लस पाई बाय 4 इंटू में x का स्क्वायर प्लस पाई बाय 8 इंटू में x का स्क्वायर। इन दोनों से मैं x का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो 5x प्लस यहाँ बचेगा पाई बाय 8 माइनस 2 प्लस पाई बाय 4 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर। इसमें एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, 5x प्लस दिस इज पाई माइनस 4 माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय 8 इंटू में x का स्क्वायर। तो एरिया इज 5x माइनस पाई प्लस 4 बाय 8 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर। ये मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन आ गया। मैंने यहाँ पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई कर दिया, माइनस पाई माइनस 4 में से माइनस को कॉमन ले लिया। ये मैक्सिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अभी मैंने कुछ करा नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं करा, अभी मैंने अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करा है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dA by dx। अभी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 5x का 5 माइनस पाई प्लस 4 बाय 8 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया ट्वाइस ऑफ x। तो dA by dx इज इक्वल टू 5 माइनस पाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स। अब इसे जीरो के इक्वल रखो, dA by dx इज इक्वल्स टू जीरो। तो पाई प्लस 4 बाय 4 इंटू में x इज इक्वल्स टू 5, तो x का वैल्यू आ गया 20 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 मीटर, मीटर या सेंटीमीटर जो भी होगा, मैं साइड नहीं ले रहा हूँ इसमें। x का वैल्यू होगा 20 बाय पाई प्लस 4 यूनिट। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, दिस इज 0 माइनस पाई प्लस 4 बाय 4। अभी x तो बचा नहीं, तो जो आंसर आया उसी को चेक करो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0, हेंस एरिया ऑफ विंडो इज मैक्सिमम। When x is equal to 20 by pi plus 4, हमें dimensions बोला था, मतलब हमें x निकालना है, y निकालना है और radius निकालना है। Maximum हमने प्रूव कर दिया, x हमने निकाल दिया, अब मुझे y चाहिए। तो y is equal to 5 minus 2 plus pi by 4 multiply x का value 20 by pi plus 4। अभी LCM ले लो, y is equal to 5 pi प्लस 20 माइनस 10 माइनस 5 पाई डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। ये कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू आ गया 10 अपॉन पाई प्लस 4। अभी मेरे पास x आ गया, मेरे पास y आ गया, अभी मुझे रेडियस भी निकालना है। रेडियस x बाय 2 के इक्वल है, तो व्हाटएवर द x इज देयर उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट विल बी योर रेडियस।